अब ग्रुप होके आ सकते हैं, अब पूरा हम चीजें करेंगे। बाहर जो बात है और कितना अच्छा है ना, हम लोग ना आए हुए हैं धोली में और मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं। और कैसे आए हुए थे ये थोड़ा समय पहले दिखा दिया, क्योंकि सिर्फ रास्ता दिखाने से कुछ नहीं होगा ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा धोली कैसे। और ये भी पहाड़ चढ़ रही हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा सा थक हट लग रही है। तो ये एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है भुवनेश्वर का, तो आगे आगे जब मैं बताऊंगी चलते मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ये थोड़े पहाड़ की तरह है, तो हम लोग चढ़ रहे हैं और चढ़ने में हाँफ भी रहे हैं। और नीचे अभी पार्किंग लगाया है और पार्किंग से लगभग 200 मीटर ऊपर होगा, तो हम लोग चल चल के आ रहे हैं। यहाँ पे आसपास ना कुछ दुकानें खुली हुई है, कोई बड़ी दुकानें नहीं है, लेकिन सिंपल जो जैसे मेले वेले में या मंदिर के बाहर आपको जैसे दिखते हैं दुकान, उसी टाइप का दुकान है। और यहाँ पे ये बौद्ध का जो स्तूप है, जो शांति स्तूप है, इसके अलावा एक शिव का टेम्पल भी है, तो वहाँ पर अगर आप इच्छुक हैं तो दर्शन भी कर सकते हैं। और मैं बता दूँ अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने, तो ये रेलवे स्टेशन से, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर पड़ेगा। और हालांकि हमारा घर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ही है। तो चढ़ते हैं यहाँ पे हम ऊपर। और ये देखिए कुछ बुद्ध की प्रतिमा वगैरह मिल रही है, और वो कुछ अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो वो भी ख़रीद सकता है। और यहाँ देखिए अगर आप एयरपोर्ट वगैरह से आते हैं तो भी वही 10 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और भुवनेश्वर का बस स्टॉप दो है, एक तो रेलवे स्टेशन के पास ही है जिसको मास्टर कैंटीन बोलते हैं, या बरमुंडा बस स्टैंड है जहाँ से लगभग आपको पड़ जाता है 20 किलोमीटर के आसपास। लेकिन भुवनेश्वर इतना छोटा है कि एक तरफ से दो तरफ का सफ़र आराम से आधे घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकता है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर आप देखिएगा एक बहुत ही भव्य नज़ारा। और देखिए सीढ़ी से ऊपर जाते हुए ये सामने दिख रहा है।
तो आप इस स्मारक का नज़ारा देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो सीमेंट टेम्पल की बात कर रहा था वो वही नीचे में था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कलाकृति वगैरह बनी हुई है बाहर दीवारों पे। और ये शिव टेम्पल का जो मैं बता रहा था वो नीचे जाने का रास्ता है, हम हालांकि उधर नहीं गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग फोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं अपना, हमने भी किया है। यहाँ पे बुद्ध भगवान सो रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर इसके इतिहास की बात करूँ तो ये इतिहास के मामले में बहुत ही मतलब ये बृहद डीप इतिहास रखता है। और ये जो नदी जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं दया नदी। और कलिंगा की, अशोक की कलिंगा की लड़ाई यहीं पे हुई थी, और कहा जाता है कि उसमें इतना मार काट हुआ था कि ये पूरा नदी का लाल हो गया था कलर। और यहीं पे देख के, यहीं पे मतलब अशोक का ना हृदय परिवर्तन हुआ देख के, तो इसीलिए ये धौली बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और हिस्टोरिकल अपने आप में एक स्टेटस रखता है। और उसी के याद में यहाँ पे ये बनाया गया है बुद्ध की प्रतिमा, ये जो हमारा शांति स्तूप है। हालांकि ये 1973 या 72 में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बुद्ध की एक्टिविटी बहुत पहले से हो रही है, सम्राट अशोका के टाइम से ही हो रही है। अगर मैं बताऊं कि यहाँ से जैसे अशोका ने अपना प्रचार किया था बौद्ध धर्म का स्टार्ट, और धीरे धीरे और वो पूरे मतलब देश में इन्होंने स्तूप वगैरह बनाए, जैसे सांची में है आपका, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे भी देखिए एक उनके जो बुद्ध के जो शिष्य थे उनका एक टेंपल बना हुआ है, जो कभी यहाँ पे भ्रमण करके गए थे। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये कुछ चाइनीज़ टाइप का लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ है, बोधगया वाली फीलिंग देता है। बस इतना ही यहाँ पे कुछ ये ब्रीफ फैक्ट थे यहाँ के बारे में जो मैंने शेयर किया है। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो कि आप विकिपीडिया से देख सकते हैं। तो रखते हैं, बाय बाय फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ब्लॉग तो ज़रूर बताएंगे। तो हम थके हुए और गर्मी बहुत है, अभी भी गर्मी है यहाँ पे, आपके वहाँ गर्मी है क्या बोलेंगे थोड़ा। और मेरे हस्बैंड तो पूरा गर्मी में पागल हो गए। तो चलते हो गए हैं, बाकी गर्म बहुत। हाँ गर्म तो बहुत है, तो चलते हैं। मैं अभी रखती हूँ, आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।